कोरोना लॉकडाउन से लेकर अब तक लगातार मुंबईकरों की समस्याओं को लेकर, नागरी विकास के मुद्दों को लेकर लोक नेता और पूर्व मंत्री विधायक गणेश नाइक साहब मनपा आयुक्त से मिलते रहे हैं। आज उनकी 64वीं मुलाकात है। आज कई प्रमुख मुद्दों पर आपने चर्चा की है सर। सबसे पहले ब्रीफ में आपसे जानना चाहेंगे, खास मुद्दे कौन सा रहे जिनके ऊपर आज गंभीरता से आपने चर्चा की? खास मुद्दों में आरोग्य की समस्या पर चर्चा की कि जो बारिश के कारण होने वाले जो साथी के रोग है उस पर लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे विक्टिम होना पड़ा है। उनको दवा पानी, उनकी जो भी ट्रीटमेंट सही ढंग से हो इस पर उनका मैंने ध्यान खींचा है। एजुकेशन के, स्कूल के बारे में जो गरीब लोगों के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं वो लोगों को महापालिका की ओर से गणवेश दिया जाता है, तो गणवेश खरीदी करो, बाद में बिल सबमिट करो, तो सभी के पास पैसा नहीं है। तो मैंने उनको बोला है कि भाई ऐसे स्टोर के नाम दे दो जहाँ से किताबें मिलेगी, वहाँ से कपड़ा मिलेगा, वहाँ से वो लोग ले लेंगे, और जैसा उन्होंने लिया तो वो ऐप ऐसा बनाओ कि उनका नाम उससे डिलीट हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो ऐसे बोला है। फेरी वालों की समस्या है, बेघर लोगों की समस्या, तृतीय पंथियों की समस्या है, उसके बारे में मैंने तो उनको कहा है कि पहले फेरी वालों का पहले सर्वेक्षण करो, कितनी संख्या में वो लोग हैं, उसके बाद में वो रहते कहाँ है। मेरे अंदाज से तो 40% लोग अपने नई मुंबई के, 60% आजू बाजू के शहर से आने वाले, वो लोगों की जिम्मेदारी लेने का नई मुंबई महापालिका को कोई जरूरत नहीं है, उनके लाइसेंस रद्द करो। बचे 40% वो कौन से नोड में, कौन से सेक्टर में, कौन से टाइप में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते, उनका वर्गीकरण करो, और सिडको से जो प्लॉट मिलने वाला है उसमें उनके लिए वहाँ पे संकुल बनाओ, चाहे तो उनसे उनके नाम पे जो बैंक से लोन भी मिल सकता है, उनको वहाँ पे सब सुविधा रहेगी, स्वच्छता की सुविधा रहेगी, साफ सफाई, इलेक्ट्रिकल, और वहाँ पे उनका धंधा पानी हो जाएगा। फुटपाथ पे फेरी वाला नहीं होना चाहिए। उसके लिए जब मैं पालक मंत्री था तब मैंने स्वतंत्र पुलिस स्टेशन की रचना करने के लिए प्रस्ताव रखा था, हाई पावर कमेटी ने वहाँ पे गठन की थी, MIDC का, सिडको का, महापालिका, MSEB, ऐसे सभी इम्पोर्टेंट अधिकारियों की मीटिंग रहेगी, हर महीना वो मीटिंग में निर्णय लेते रहेंगे। इसके लिए अभी मैंने बोला कि पुलिस स्टेशन में जिस जिस इलाके में हॉकर्स आते हैं उधर महापालिका का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी राउंड द क्लॉक उधर रहेंगे, वो लोगों के काबू में जा रहा है तो फोर्स मांगा के वहाँ से एक दो बार किया तो वहाँ पे साफ सफाई हो जाएगी। JD सुतार ने तो यानी उन्होंने एक ऐसे एंगल से बोला जिसमें उन्होंने अवंडन विडंबन किया है कि भाई मेरा वार्ड है ना वो फेरी वाला जोन के तौर पे जाहिर करो, वहाँ पे गैरेज जोन के तौर पे जाहिर करो। तो आयुक्त को मैंने बोला कि ये एक्स मेयर है, पहले महापालिका के 5 साल में वो बांधकाम समिति के सभापति थे और इतने सालों से बोल रहे हैं, और मैंने भी उनको सूचना की है कि भाई हर इलाके में पुलिस और महापालिका के अधिकारी की वहाँ पे नियुक्ति करके उनको रिस्पॉन्सिबल, ताकि फेरी वाले नहीं आएंगे, भिखारी नहीं रहेंगे, और तृतीय पंथी के लिए लोगों के लिए उसकी गिनती करो, उनके लिए भी गृह संकुल बनाओ, उनको नौकरी देने का भी बंदोबस्त करो। जो भिखारी लोग हैं बेघर से वो लोगों की संख्या देके वो लोगों के लिए भी शिक्षण का प्रबंध करो, उनके खाने पीने का प्रबंध करो, और जो सशक्त है उनको काम धंधा देने की बात करो, और ये सब अपने लोक प्रतिनिधि, प्रशासन, मीडिया, यानी अपन सब लोग सोचेंगे तो इसमें कामयाबी जरूर मिल सकती है। एक चीज आपने कहा कि शिक्षण समिति जैसे तमाम समितियां, शिक्षण समिति का आपने मुद्दा उठाया, तमाम विषय समितियां वैसे ही लंबित पड़ी है जब से प्रशासक राज यहां पर चल रहा है, आपको नहीं लगता कि महानगर पालिका में डेमोक्रेटिक सिस्टम ही खत्म हो गया एक तरह से? मैंने देखिए बातें शिक्षण समिति बर्खास्त की है, शिक्षण मंडल, मेरा इरादा है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनको मैं पत्र लिखूंगा और ये शिक्षण मंडल फिर से शुरू करके लोगों की जो असुविधा है वो सुविधा करो। किसने बोला है इसमें भ्रष्टाचार होता है? भ्रष्टाचार तो सभी डिपार्टमेंट में होता है, इसका मतलब सभी डिपार्टमेंट बंद करोगे? वो कोई रास्ता नहीं है। और या के भले 13 में से 2-4 भ्रष्टाचारी होंगे, 11 तो अच्छे हैं ना, वो 11 पर विश्वास करके उनके माध्यम से गरीब लोगों के, विद्यार्थियों का
जो कुछ भी उनका आगे आगे बढ़ना है उसको सुकर करने का काम अपन करेंगे। दादा, अपने विधानसभा में भी लगातार इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं कि जितने भी यूटिलिटी प्लॉट्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया सुधाकर सोनावणे जी के प्रभाग में एसटीपी का जो मामला था, दूसरे कई प्रभागों में इसी तरह की समस्याएं हैं, जो सर्विस प्लॉट्स हैं उसको एमआईडीसी ने, जो ऑलरेडी महानगर पालिका को हस्तांतरित हो गया या चिन्हित कर दिए गए कि ये सर्विस प्लॉट है, उसके बावजूद भी एमआईडीसी ने उसको अलॉट कर दिया है कमर्शियल पर्पज के लिए। आपने कहा कि आप जांच कराएंगे और खुद यहां पर मिनिस्टर को बुलाएंगे, ये कितना गंभीर मामला, लगातार आप इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं। उद्योग मंत्री उदय जी सामंत को मैंने इस बात की गंभीरता बताई, उन्होंने अपने शहर में आके अपनी पूरी समस्या जो लोगों की है उस पर ध्यान देके उस पर चर्चा करने का और उसमें अमल करने का उन्होंने वादा किया है। जल्दी वो आएंगे और उसमें से रास्ता निकलेगा। एक आखिरी सवाल, लगातार आप 64 बार मिल चुके हैं, मुझे लगता है कि हजारों मांगे आपकी महानगर पालिका आयुक्त के समक्ष रही होंगे, प्रशासक के समक्ष रही होंगी, कितना उसका समाधान हुआ है? क्या आपने इसकी कोई रिपोर्ट उनसे मांगी है कि ताकि नवीन बाइकरों को पता चले कि आपने कितना काम किया? नहीं, देखिए, जो वार्ड की समस्या है, वाटर मीटर, गटर की, लाइट की, बीट के, वो तो हो चुकी है। कई समस्या आयुक्त के अधिकार के बाहर है, उसमें उनको मदद आज तक नहीं मिल रही थी, अभी हमारी उनको पूरी मदद मिलेगी, उसमें से रास्ता निकल जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि खुद नाइक साहब का कहना है कि जो भी समस्याएं हैं, जितने भी मुद्दे महानगर पालिका आयुक्त के समक्ष उठाए गए हैं, अब निश्चित तौर पर इतना विश्वास जरूर है कि उसका समाधान निकलेगा, उसका रास्ता जरूर निकलेगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।